हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, एंड दैट इज तिब्बतन मैस्टिफ, जिसे हम लोग शॉर्ट में TMB बोलते हैं। तो ये डॉग ब्रीड आप लोगों को इंडिया में कुछ सिलेक्टेड ब्रीडर्स के पास ही मिलेंगी, क्योंकि इसके काफी सारे रीजंस हैं। एक तो ये डॉग ब्रीड काफी एक्सपेंसिव होती है, दूसरे अग्रेसिव भी होते हैं, और तीसरा इस ब्रीड को फर्स्ट टाइम ओनर्स या नए ब्रीडर्स के लिए हैंडल करना इजी नहीं होता। तो इस ब्रीड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को ये ब्रीड परचेज नहीं करनी चाहिए। तो अब वो बातें आप लोगों को पता कहां से लगेंगी, तो डोंट वरी भाई, तुम्हारा भाई है ना, इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप लोगों को इन्हें परचेज करना काफी इजी हो। तो फर्स्टली तो मैं आप लोगों को इन पपीज की क्वालिटी के बारे में बता देता हूं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जिन पपीज को आप लोग परचेज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि काफी लोगों को इस ब्रीड के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा। तो गाइस, पपीज जो है ये एक्सीलेंट क्वालिटी में, काफी डार्क कलर में है और काफी हैवी बोन भी, और सभी पपीज लो इन हेड में है। एंड अगर आप लोग इस ब्रीड को अपार्टमेंट्स या छोटे घरों में रखने की सोचें तो भाई इस बात को भूल जाओ, क्योंकि वहां पर आप लोग इन डॉग्स को बिल्कुल नहीं रख पाओगे। अगर आप लोग रखने की कोशिश भी करोगे तो इसमें आप लोगों को और इन डॉग्स को दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जिन्हें खुले में रहना ज्यादा पसंद होता है और उसी के बिहाव पर इनकी ग्रोथ होती है। वैसे तो गाइस तिब्बतन मैस्टिफ एक हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, बट इन्हें ट्रेन करना आप लोगों के लिए काफी टफ हो सकता है, बिकॉज इन्हें एक ऐसे ट्रेनर की जरूरत होती है जो कॉन्फिडेंट हो और डॉग्स की अच्छी खासी नॉलेज हो। एंड गाइस, कुछ डॉग्स ब्रीड के साथ हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम लोग उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई वो रोने लग जाते हैं और उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता। लेकिन तिब्बतन मैस्टिफ के साथ आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनमें एक क्वालिटी ये भी है कि अकेले रह सकते हैं। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग इन्हें सुबह अकेला छोड़ो और शाम को आगे ही संभालो। तो गाइस, तिब्बतन मैस्टिफ लार्ज साइज के जरूर हैं और ये काफी डेंजरस भी लगते हैं, बट ये फैमिलीज के लिए काफी फ्रेंडली होते हैं और सिक्योरिटी के लिए भी उतने ही अच्छे। वैसे ही भाई, जब एक शेर जैसी डॉग ब्रीड आप लोगों के घर में बंद रहे तो कोई भी बंदा हजार बार सोचेगा अंदर आने के लिए। वैसे इन्हें मैंने शेर के जैसा क्यों कहा, ये चीज आप लोगों इनकी मदर को देखकर पता लग ही रहा होगा। तो फिलहाल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, और फादर की क्वालिटी भी भाई बहुत ही शानदार है। तो ये इन पपीज के फादर हैं जो कि बहुत ही हैवी हैं, बट फिर भी अगर आप लोगों को इनके बारे में और कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्टली अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 40 डेज के हो चुके हैं, ग्रोथ काफी अच्छी है और काफी एक्टिव पपीज हैं, और इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। और लोकेशन की बात करें तो ओनर की जो लोकेशन है वो है गुरदासपुर पंजाब से। बाकी दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। और सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इन्हें परचेज करने का, वो ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सभी पपीज को कंपेयर करके और कलर वगैरह चेक करके इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 60,000 रुपीज 60,000 रुपए, एंड फीमेल की 55,000 रुपीज यानी 55,000 रुपए। लेकिन गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, जब आप लोग परचेज करो तो बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। वैसे इन पपीज की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।